हेलो गाइस, क्या हाल चाल आप सबके? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। गाइस सामने आप देख रहे हो ऑल न्यू टाटा नेक्सॉन 2024 वाला मॉडल। गाइस आपको फुल डिटेल रिव्यू देने वाला हूँ, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आप नए चैनल पे विजिट कर रहे हो। तो बात करते हैं इसके एक्सटीरियर से। यहाँ पे देखिए यार, ये स्मार्ट प्लस मॉडल है, सेकंड बेस मॉडल है, मोस्ट वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है। यहाँ पे सारी डिटेल्स आपको बताऊंगा। यहाँ पे सबसे पहले देखिए, इसमें DRLs मिलते हैं आपको, LED सिक्वेंशियल इंडिकेटर नहीं मिलेंगे आपको इसमें, और यहाँ पे LED लाइट मिलती है, प्रोजेक्टर हेडलैम्प नहीं मिलेगा यहाँ पे, और पार्किंग लैंप्स नहीं मिलेंगे आपको यहाँ पे। टाटा का लोगो मिल जाता है यहाँ पर, पियानो ब्लैक की फिनिशिंग मिल जाती है, ग्रे कलर बहुत ही बढ़िया लग रहा है। फ्रंट पार्किंग सेंसर्स भी नहीं मिलते यहाँ से, बंपर ब्लैक आउट रखा गया है, और कोई क्रोम के एलिमेंट्स नहीं दिए जाते आपको इसमें, क्योंकि गाइस ये स्मार्ट प्लस मॉडल है, सेकंड बेस मॉडल। अब आपका बजट हो 8 से 10 लाख रुपये का, तो प्राइस बताता हूँ 8,90,000 में इसका एक्स शोरूम प्राइस है। बेहतर डील्स के लिए आप दादा मोटर में विजिट कर सकते हैं। जो अच्छी बात है ना, मुझे ये लग रही है कि यहाँ पे जो लुक्स इसमें मिल जाती है ना, आपको बहुत ही बेहतरीन मिलती हैं। ओवर VMs आपको पियानो ब्लैक में मिल जाते हैं, इंडिकेटर्स यहाँ पे देख रहे हो आप ओवर VMs के ऊपर। बॉडी कलर डोर हैंडल नहीं मिलेंगे यहाँ पे, ब्लैक आउट डोर हैंडल मिलेंगे। की का ऑप्शन यहाँ पे दिया गया, किस तरह की पैसिव एंट्री नहीं मिलेगी यहाँ पे। और रूफ की अगर बात करें, यहाँ पे देखिए बॉडी कलर रूफ मिलती है, हाँ इसमें शार्पन एंटीना मिलता है जो इसकी लुक्स को एनहेंस करता है। साइड से अगर क्लैडिंग्स देखिए आप, यहाँ पे चौड़ी चौड़ी क्लैडिंग्स आपको दी गई हैं। अगर टायर सेक्शन की बात करें, यहाँ पे गुडियर ब्रांड का टायर आपको ऑफर किया जाता है। सेक्शन की बात करेंगे, 195/60R 16 inches के टायर्स आपको मिलते हैं यहाँ पे। और व्हील आर्चेस देखिए आपको यहाँ पे मैट फिनिश में दी जाती हैं, ब्लैक कलर में। ये था कुछ साइड से प्रोफाइल इसका। अब बात कर लेते हैं रियर से, क्योंकि ये सेकंड बेस मॉडल है तो आपको इसमें रियर ड्रम ब्रेक्स ही ऑफर करी जाती है। यहाँ पे देखिए फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक्स का ऑप्शन मिल जाता है। रियर से बात करते हैं, कुछ इस तरह की लुक्स है गाड़ी की। ये देखिए LED टेल लैंप आपको दिए जाते हैं, ये जो है ना कनेक्टेड नहीं मिलेगा आपको यहाँ पे, लाइट अप नहीं करेगा, ये ऐसे डमी मिलता है आपको यहाँ पे। सेंटर में टाटा का लोगो, ये हाई माउंट स्टॉप लैंप यहाँ पे दिया गया, सिंपल ग्लास मिलेगा, रियर वॉशर रिफोकर नहीं मिलेंगे, स्पॉइलर आपको यहाँ पे मिल जाता है यहाँ पे। नेक्सॉन की ब्रांडिंग है यहाँ पे क्रोम कलर में, और ये LED लाइसेंस प्लेट्स आपको मिल जाते हैं। अच्छा, रियर में आपको 2 पार्किंग सेंसर्स आपको ऑफर करे जाते हैं। बम्पर देखिए यहाँ पे ब्लैक आउट दिया गया, यहाँ पे रिफ्लेक्टर्स यूज़ करे गए हैं। और इस साइड से अगर लुक्स की बात करें, यहाँ पे 44 लीटर का पेट्रोल टैंक आपको ऑफर किया जाता है। तो ये था गाड़ी का एक्सटीरियर लुक। अब चलते हैं कार के अंदर, उससे पहले आप इसका की फॉब देखिए, कुछ इस तरह से है, लॉक अनलॉक और फॉलो मी हेडलैम्प के बटन है। की आपको वेव की ऑफर करी जाती है इसमें, कुछ इस तरह से। अब बात करते हैं अंदर चल के कार के। देखिए गाइस, यहाँ पे जो बेडलाइन गार्निश नहीं मिलेगी आपको, ये ब्लैक कलर का आपको प्लास्टिक ऑफर किया जाता है। इसको मैं अनलॉक कर लेता हूँ कार को यहाँ से, और ये हो गया अनलॉक। डोर की जो ओपनिंग है काफ़ी वाइड मिलती है, डोर ट्रिम आपको मिलता है यहाँ पे ऑल ब्लैक आउट। इसका जो थीम है ना, ये ब्लैक आउट वाला, ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। ऑल 4 पावर विंडो के कंट्रोल्स आपको यहाँ पे मिल रहे हैं, और लॉक विंडो को लॉक अनलॉक करने के लिए यहाँ पे बटन दिया गया है। ये सिंपल डोर हैंडल मिलते हैं ब्लैक आउट आपको। OVM के यहाँ पे कंट्रोल्स मिल जाते हैं, लेफ्ट राइट अप सेटिंग कर सकते हो। यहाँ पे कुछ स्पेस मिल जाती है आपको, वाटर बॉटल होल्डर मिल जाता है यहाँ पे, और अम्ब्रेला होल्डर भी दिया गया। मैनुअल गियर बॉक्स के साथ आती है, ABC पेडल मिल जाते हैं, फैब्रिक अपहोल्स्ट्री मिल जाती है आपको यहाँ पे। लुक्स ना इसकी काफ़ी अच्छी लगती हैं अगर आप इसको देखेंगे कार को। मैनुअल आपको इसकी सीट्स मिलती हैं एडजस्टमेंट के साथ। और अब बात करते हैं इसके स्टीयरिंग व्हील के, यहाँ पे आप लगाएंगे इसकी की, इल्यूमिनेशन लाइट दी जाती है यहाँ पे। अब अगर बात करते हैं इसके स्टीयरिंग व्हील की, तो स्टीयरिंग व्हील देखिए यहाँ पे जैसे टॉप मॉडल्स में आते हैं ना, लेदरेट फिनिश नहीं मिलेगी, डी कट फ्लैट बॉटम मिलता है स्टीयरिंग आपको। चाबी मैं एक बार लगा देता हूँ यहाँ पे इसकी, ये मैंने कर दिया इसको ऑन, कुछ इस तरह से लाइट अप हो जाता है इसका स्टीयरिंग। देखिए ये चीज़ काफ़ी अच्छी लगी, बेस मॉडल्स में भी ना टाटा आपको ये चीज़ें ऑफर करता है। ब्लूटूथ का ऑप्शन है यहाँ पे, देखिए टेलीफोनी के कंट्रोल्स हैं, म्यूट वॉइस कमांड के फीचर हैं, वॉइस कमांड भी मिलती है गाइज आपको। अच्छा, छोटी सी 7 इंच की टच स्क्रीन मिलती है, हारमन का म्यूजिक सिस्टम आपको इसमें ऑफर किया जाता है गाइज, ये देखिए कुछ इस तरह से। बात कर लेते हैं स्टीयरिंग व्हील के एडजस्टमेंट की, तो यहाँ पे देखिए आपको टिल्ट मिलती है, टेलीस्कोपिक नहीं मिलेगी, और जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है ना वो डिजिटल आपको देखने को मिलता है इसमें। सारी इन्फॉर्मेशन जो ड्राइवर रिलेटेड होती हैं वो मिल जाती हैं, हॉट एंड कोल्ड का, फ्यूल का, गेज जो है वो सारा मिल जाता है, सिटी मोड, ड्राइव मोड, ये सारे मोड जो है ना वो आपको मिल जाते हैं इसमें। RPM मीटर आपको मिल जाता है इस साइड, इसको मैं ऑन नहीं कर सकता गाइस, अभी शोरूम में कार खड़ी है। यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह से इसका RPM मीटर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। तो ये था गाइज इसका इंटीरियर लेआउट, डैशबोर्ड लेआउट देखिए पूरा ब्लैक मिलता है आपको, प्लास्टिक की क्वालिटी काफ़ी अच्छी मिलती है आपको इसमें। और बात करें यहाँ पे ना AC वेंट्स, देखिए AC वेंट्स जो हैं ये काफ़ी बेहतर आपको दिए जाते हैं इसमें। और AC मैनुअल आपको यहाँ पे मिलेगा, देखिए ये नॉब्स हैं AC की, और ये कुछ बटन्स हैं जहाँ पे आप बूट को ओपन कर सकते हैं, हैज़ार्ड को ऑन ऑफ कर सकते हैं यहाँ पे। और गियर नॉब की अगर बात करें तो कुछ इस तरह से आपको गियर नॉब दी जाती है, 5 स्पीड वाला गियर बॉक्स आपको इसमें ऑफर किया जाता है। और सेंटर कंसोल की अगर बात करेंगे, यहाँ पे नोब है, सिटी, ड्राइव एंड इको,
सॉरी सिटी इको एंड स्पोर्ट, तीन मोड्स आपको ऑफर किए जाते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे ना कंपनी ने आपको टाइप ए की सॉकेट दी गई है और 12 वोल्ट का सॉकेट भी दिया गया यहाँ पे। और हैंड ब्रेक आपको मैनुअल मिल जाती है यहाँ पे। सेंटर में यहाँ पे कुछ स्पेस मिल जाती है, सेंटर आर्मरेस्ट नहीं मिलेगा गाइस यहाँ पे, और ये कुछ स्पेस आपको यहाँ पे मिल जाती है। तो ये था इसका इंटीरियर से मामला। IRVM आपको छोटा सा मिलता है, ये मैनुअल वाला IRVM है। कैबिन लैंप आपको LED में देखने को मिल जाता है। यहाँ पे पैसेंजर एयरबैग को ऑन ऑफ करने के लिए यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी गई है। और ये माइक यहाँ पे इसका, और टिकट होल्डर मिलता है आपको यहाँ पे, सनवाइजर पे, यहाँ पे वैनिटी मिरर मिल जाता है। तो ये था मामला गाइस इसमें फ्रंट डैशबोर्ड का। अब चलते हैं रियर में इसकी और बात करते हैं क्या क्या ऑफर किया जाता है। एक बार ना आप इसका हेडरूम देख लो गाइस, इसमें हेडरूम काफ़ी अच्छा मिल जाता है आपको और विजिबिलिटी भी काफ़ी अच्छी मिल जाती है क्योंकि सीट हाइट एडजस्टमेंट मिलती है इसमें आपको। कमांडिंग पोजीशन, ड्राइविंग जो पोजीशन है काफ़ी कमांडिंग मिल जाती है देखने के लिए। अब बात करते हैं रियर सीट पे चल के। लो जी, इसका रियर डोर ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे देखते हैं क्या कुछ मिलता है आपको। पावर विंडो का कंट्रोल मिल जाता है, साथ में कुछ स्पेस मिल जाती है। यहाँ पे देखिए ट्विटर की प्लेसमेंट करी गई है, इसमें 4 स्पीकर और 4 ट्विटर आपको देखने को मिल जाते हैं। और सीट्स की जो कुशनिंग की बात करें वो फैब्रिक बोल सकती है, कुशनिंग काफ़ी अच्छी है इसकी, देखिए कुछ इस तरह से। और 3 पॉइंट सीट बेल्ट आइसोफिक्स माउंट के साथ मिल जाती हैं आपको। और रियर सीट पॉकेट्स नहीं मिलेगी आपको यहाँ पे। तो गाइस ये मैं रियर सीट पे आके बैठ चुका हूँ टाटा नेक्सन स्मार्ट प्लस में। यहाँ पे हेडरूम देखिए कुछ इतना मिलता है मुझे, और साइड में देखिए ग्रैब हैंडल मिल जाते हैं यहाँ पे। किस तरह की हुक यहाँ पे नहीं मिलेगी, हुक आपको मिलेगी यहाँ पे। और फिक्स आपको सीट बेल्ट्स देखने को मिल जाती हैं, कुछ ऐसा लेआउट है टाटा नेक्सन स्मार्ट प्लस के अंदर। तो ये था गाइस, और यहाँ पे किसी तरह का रियर एसी वैन नहीं मिलेगा आपको। यहाँ पे कुछ स्पेस आपको जरूर दी गई है, यहाँ पे आप अपना मोबाइल कीज वगैरह कुछ भी रख सकते हो। अब बात कर लेते हैं इसके एक बार ना टच वाले सिस्टम की, जो 7 इंच का आपको प्रोवाइड कराया जाता है। यहाँ पे देख लेते हैं इसका टच रिस्पांस किस तरह से है। तो मुझे तो गाइस ठीक ठाक लग रहा है टच रिस्पांस इसका। एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले आपको वायरलेस मिल जाता है इसमें, ये सबसे अच्छी बात है। और एक्वाई वगैरह फिल्टर नहीं मिलेगा आपको इसमें। तो ये सारे कुछ फीचर्स, ऐसी कुछ एनिमेशंस आपको इसमें मिल जाती हैं। और यहाँ पे आप FM, USB, ब्लूटूथ ऑडियो, iPod ये सारे कनेक्ट कर सकते हैं। और होम बटन पे चलते हैं तो कुछ इस तरह से आप अपना एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले को पेयर कर सकते हैं। स्क्रीन में कुछ दिखाने वाला ज़्यादा कुछ है या नहीं, साउंड डेमो आप यहाँ से ले सकते हैं इसकी गाइस, ठीक है। ये इसका कुछ साउंड डेमो, हरमन का साउंड तो आपको पता ही होता है गाइस, काफ़ी अच्छा होता है इंडिया ट्रैवल। चला लेते हैं इसको, देखिए साउंड काफ़ी अच्छी है गाइस इसकी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। अब एक बार इंजन की आपको जानकारी दे देते हैं इसकी गाइस। एक बार इसका बोनट ओपन करता हूँ, देखो मेरे हाथ में एक कैमरा है। अरे बाप रे, काफ़ी भारी बोनट है यार इसका, काफ़ी भारी है। इसको मैं यहाँ पे हैंग कर लेता हूँ। अब देखिए ये है कुछ इसका इंजन, 1.2 लीटर का इंजन आपको इसमें ऑफर किया जाता है। इसमें पावर की बात करें 113 BHP की पावर ऑफर करी जाती है और 170 Nm का टॉर्क आपको इसमें ऑफर किया जाता है। अगर इसके माइलेज की बात करें 15-20 का माइलेज आपको इजीली ये प्रोवाइड करवा देती है। अब इसके सेफ्टी फीचर्स की बात कर लेते हैं तो इसमें गाइस आपको मिलते हैं 6 एयरबैग्स एज स्टैंडर्ड। नेक्सॉन टाटा की कोई भी कार आप परचेज करते हैं 6 एयरबैग्स आपको मिलते ही मिलते हैं उसमें, और ज़्यादा कुछ खास फीचर्स मिलते नहीं है। आज की वीडियो में गाइस बस इतना ही, फिर मिलूंगा आपको ऐसी किसी अच्छी वीडियो में। तब तक के लिए टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।